सुट्टा, पांच ऐसे रेसलर जो करते हैं सुट्टा, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस, कई लोग सिगरेट पीते हैं, कई नहीं पीते हैं और कई लोग प्रेफर करते हैं शराब को। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों पर नहीं, आज की इस वीडियो में हम पांच ऐसे रेसलर्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि डेली बेसिस पे स्मोकिंग करते हैं। जो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में दोस्तों नंबर पांच पे आते हैं आर ट्रुथ। तो गाइज, आर ट्रुथ सिगरेट पीते हैं, ये चीज शायद ही किसी से छिपी होगी क्योंकि 2011 में रॉ के एक एपिसोड में आर ट्रुथ ने लाइव सिगरेट जलाई थी, जिसमें दोस्तों पहले तो वो जॉन मॉरिसन की पिटाई करते हैं और उसके बाद रिंग से बाहर निकलकर जेब से अपनी एक सिगरेट निकालते हैं और कश लगाते हैं। तो ये चीज आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर चार के ऊपर। नंबर चार पे जो रेसलर आते हैं वो है रैंडी ऑर्टन। तो गाइज, रैंडी ऑर्टन को कई बार सिगरेट पीते हुए देखा गया है। एक बार दोस्तों फैंस ने रैंडी की शिकायत WWE मैनेजमेंट से की थी कि वो उनके ऑटोग्राफ साइन करते हुए एक हाथ में पेन लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में सिगरेट। तो गाइज, नंबर चार पर आते हैं रैंडी ऑर्टन। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर तीन के ऊपर और नंबर तीन पर आते हैं डीन एम्ब्रोस। तो गाइज, किसी को देखकर ही पता चल जाता है वो सिगरेट पीता है कि नहीं, लेकिन डीन एम्ब्रोस को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो शायद बार में ही रहते होंगे क्योंकि वो एक लुनेटिक के किरदार में है। बात की जाए डीन की, तो गाइज वो इंडिपेंडेंट रेसलिंग के काल से सिगरेट पीते आ रहे हैं। वो तब से नहीं पीते आ रहे जब से वो WWE के अंदर थे, वो उससे पहले से पीते आ रहे हैं और काफी समय से स्मोक कर रहे हैं। वहीं बात की जाए डीन की, डीन दोस्तों WWE की 2K16 कमर्शियल के अंदर हमें सिगार पीते हुए नजर आए थे, जहां उन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के मुंह के ऊपर धुआं भी फेंका था। तो गाइज, इससे पता चलता है वो कितने बड़े परफेक्शनिस्ट है। लेकिन अब हम चलते हैं नंबर दो के ऊपर और नंबर दो पर आते हैं विंस मैकमैन। तो गाइज, WWE का मालिक ही स्मोकिंग करता है और उसे क्या शिकवा करना। तो गाइज, विंस मैकमैन सिगार का बहुत बड़ा शौक रखते हैं और इससे पहले दोस्तों एक बड़ी सिगार की कंपनी के मैगजीन कवर पर भी रह चुके हैं, जिसके अंदर दोस्तों जब हम पेज पलटते हैं तो एक पेज पर वहां हमें शेनो मैक और विंस मैकमैन सिगार के कश लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं नंबर एक के ऊपर और नंबर एक पे आते हैं जॉन सीना। तो गाइज, जॉन सीना सालों से बच्चों के प्रिय रहे हैं, लेकिन शायद कोई बच्चा जानता होगा कि जॉन सीना को सिगार से प्रेम है। जॉन सीना दोस्तों अपने कैरेक्टर की वजह से इस पैशन को छिपाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जॉन सीना का जो गिमिक है उसे ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं और WWE एक PG प्रोग्राम है। तो गाइज, आज की लिस्ट इतनी सी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले, इस वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने सुट्टेबाज दोस्तों को टैग करना मत भूले। वेल, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।